नमस्कार, टोटल हेल्थ में आप सभी का स्वागत है। मैं हूँ किरण भारद्वाज। नमस्कार, मैं हूँ निखिल सिंह। आज विश्व हेपेटाइटिस दिवस है। हेपेटाइटिस एक ऐसा रोग है जो दुनिया भर में सभी के स्वास्थ्य के लिए एक बड़े खतरे के रूप में हमारे सामने है। इसके कई रूप हैं, जिसमें से कुछ रूप ऐसे हैं जो कम समय के लिए प्रभावित करते हैं और कुछ समय में इलाज से ठीक हो जाते हैं। लेकिन वहीं कुछ रूप ऐसे भी हैं जिन्हें क्रॉनिक हेपेटाइटिस कहा जाता है, जो जीवन भर चलते हैं और व्यक्ति के लिए काफ़ी मुश्किलें उत्पन्न कर सकते हैं। बिल्कुल, और इसके विषय में ये भी कहा जाता है कि हेपेटाइटिस के बारे में जानकारी ही उसका कारगर उपाय हो सकती है उससे बचने का। और जो है, जिस क्रॉनिक हेपेटाइटिस की बात किरण ने की, उस विषय में ये भी है कि वो आपको मृत्यु के मुंह तक ले जा सकता है। तो उसके बारे में बिल्कुल जागरूक रहें। मुदहूँ आँख कतहूँ कुछ नहीं, इस दिशा दशा में मत आइए। उसके बारे में जानकारी इकट्ठा करिए, जानिए, समझिए और उसको अपने जीवन में उतारिए। क्योंकि अगर क्रॉनिक हेपेटाइटिस की बात करें, जो एक बड़ा खतरा है, तो विश्व भर के आंकड़े ये बताते हैं कि विश्व में हेपेटाइटिस बी और सी से तकरीबन 325 मिलियन लोग प्रभावित हैं, जिनमें से हर वर्ष लगभग 1.4 मिलियन लोगों की मृत्यु हो जाती है। आवश्यक है इससे बचाव के उपाय जाने और ये जाने कि किस तरह से हेपेटाइटिस ग्रस्त व्यक्ति को, अगर वो उससे संक्रमित है, तो बेहतर तरीके से प्रबंधन किया जाना चाहिए, इलाज के विकल्प क्या हो सकते हैं और ऐसे व्यक्ति के जीवन को बेहतर कैसे बनाया जा सकता है। आइए इस रिपोर्ट पर नजर डालते हैं और समझते हैं कि दरअसल हेपेटाइटिस किस तरह से जिगर को प्रभावित करता है और इसके कौन से रूप हैं जो स्वास्थ्य के लिए खतरा बनते हैं। विश्व भर में लाखों लोग हर साल हेपेटाइटिस से संक्रमित हो जाते हैं और कितने ही लोग इस बीमारी की वजह से अपनी जान गंवा देते हैं। हेपेटाइटिस एक गंभीर रोग है जिसके होने का प्रमुख कारण है वायरस का संक्रमण। ये 5 प्रकार के वायरस से मुख्य तौर पर होता है, हेपेटाइटिस ए, बी, सी, डी और ई। ये ऐसे वायरस हैं जो संक्रमित कर लिवर को नुकसान पहुंचाते हैं। हेपेटाइटिस से लिवर में जलन और संक्रमण हो जाता है। इस रोग की वजह से लिवर की कार्य प्रणाली गड़बड़ा जाती है। हेपेटाइटिस ए और ई वायरस दूषित खाद्य पदार्थ या संक्रमित पेयजल के जरिए शरीर में पहुंचते हैं। इस प्रकार के हेपेटाइटिस के मामले गर्मी और बरसात के मौसम में अधिक सामने आते हैं, क्योंकि इस मौसम में पानी और भोजन के दूषित होने की संभावना अधिक रहती है। हेपेटाइटिस बी और सी, इन दोनों प्रकार के हेपेटाइटिस को पैदा करने वाले वायरस सर्जरी के उपकरण के संक्रमित होने से, संक्रमित सुई के प्रयोग से व्यक्ति के शरीर में पहुंच सकते हैं। यदि लापरवाही की वजह से व्यक्ति को हेपेटाइटिस संक्रमित रक्त चढ़ा दिया जाए, तो इस कारणवश भी हेपेटाइटिस बी और सी वायरस से व्यक्ति संक्रमित हो सकता है। हेपेटाइटिस का वायरस संक्रमित माँ से शिशु में भी पहुंच सकता है। एड्स के वायरस की ही तरह हेपेटाइटिस बी और सी वायरस असुरक्षित यौन संबंध से भी व्यक्ति के शरीर में पहुँच सकते हैं। हेपेटाइटिस से संक्रमित व्यक्ति में भूख न लगना, वजन में कमी, कम खाना या जी मिचलाना, उल्टी होना, अनेक मामलों में पीलिया और बुखार होना, रोग की स्थिति गंभीर होने पर पैरों में सूजन आ सकती है, हेपेटाइटिस बढ़ने पर व्यक्ति की शारीरिक क्षमता कम होने लगती है और उसकी स्थिति बिगड़ने लगती है। हेपेटाइटिस से संक्रमित व्यक्ति में अंतिम चरण में पहुँचने तक लिवर सिरोसिस या लिवर कैंसर भी हो सकता है। आवश्यक है कि इसकी पहचान जल्द हो और व्यक्ति का समय पर इलाज करवाया जाए। हेपेटाइटिस से बचाव के लिए सावधानी रखना और हेपेटाइटिस के विषय में जागरूकता होना आवश्यक है। किरण भारद्वाज, टोटल हेल्थ। और अगर संक्रामक रोगों से होने वाली मृत्यु की बात की जाए, तो हेपेटाइटिस टीबी यानी तपेदिक के बाद दूसरा बड़ा कारण है विश्व भर में मृत्यु का। इसके अलावा ये भी कहा जाता है कि जितने लोग एचआईवी से ग्रस्त होते हैं, उससे ज़्यादा लोग संक्रमित होते हैं, 9 गुना ज़्यादा बताया जाता है ऐसे लोगों की संख्या है जो हेपेटाइटिस बी से संक्रमित हो जाते हैं। क्या संबंध है इनका आपस में और ऐसी तमाम बातें विशेषज्ञों से आज इस एक घंटे के दौरान डिस्कशन में जानेंगे। आप को ये बता दें कि इस विषय पर विस्तार से बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में विशेषज्ञों का खास पैनल मौजूद है। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर शिव कुमार सरीन, आप चेयरमैन हैं इंस्टीट्यूट ऑफ लिवर एंड बाइलरी साइंसेस से।
स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर वीरेंद्र कुमार, ही इज डायरेक्टर प्रोफेसर एंड हेड डिपार्टमेंट ऑफ पीडियाट्रिक्स फ्रॉम कलावती सरन चिल्ड्रंस हॉस्पिटल एंड लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज, एंड वी हैव विद अस डॉक्टर कौशिक दास महापात्रा, ही इज असिस्टेंट प्रोफेसर आयुर्वेद एंड यूनानी टिबिया कॉलेज। सभी विशेषज्ञों का हम स्वागत करते हैं, और ऐसे तमाम लोग जो ये सोचते हैं कि हेपेटाइटिस का संक्रमण हमें नहीं हो सकता, उन्हें सचेत हो जाना चाहिए, क्योंकि इसके कई कारक हैं, कई ऐसे माध्यम हैं जिनसे ये संक्रमण फैल सकता है। तो विस्तार से आज का कार्यक्रम देखिए और ये जानिए कि कैसे आप हेपेटाइटिस के संक्रमण से बच सकते हैं और कैसे हेपेटाइटिस से जो ग्रस्त लोग हैं उनके जीवन को बेहतर बनाया जा सकता है। बिल्कुल, आप इस कार्यक्रम से सीधे जुड़ सकते हैं विशेषज्ञों के इस खास पैनल का। आप भी लाभ उठाइए और हमें ईमेल करिए totalhealthddnews@gmail.com अपनी समस्या, और उसके साथ ही प्रश्न कर सकते हैं। आप सीधे हमारे फ़ोन लाइन से भी जुड़ सकते हैं। हमारे फ़ोन लाइन का हमारा नंबर नोट कर लीजिए, 1800111234। तो आप सीधे संवाद हमारे इस डॉक्टरों के विशेष पैनल से सीधा कर सकते हैं। और इस जानकारी की शुरुआत करते हैं, हम समझने की कोशिश करते हैं कि कितनी गंभीरता है इस रोग हेपेटाइटिस की। डॉक्टर सरीन, हेपेटाइटिस और खास तौर पर अगर क्रॉनिक हेपेटाइटिस के विषय में बात की जाए तो किस तरह का खतरा आप देखते हैं? हमारे देश में कितने लोग इनसे संक्रमित हैं और किस तरह की मुश्किलें उनके जीवन में उत्पन्न होती हैं जिस तरह से उनका जीवन जो है बीमारी के साथ आगे बढ़ता है? सबको पहले आज वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे पे अवेयरनेस में जुड़ने के लिए और अपने साथ वालों को अपने साथ जोड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और डीडी न्यूज़ ने ये इम्पॉर्टेंट इनिशिएटिव लिया टोटल हेल्थ में, उसके लिए मैं उनका धन्यवाद दूंगा। आपका भी धन्यवाद डॉक्टर सरीन, आप शामिल हुए हैं इस डिस्कशन में तमाम लोगों को जानकारी देने के लिए। सभी डॉक्टर्स का शुक्रिया। जैसे हाथ में 5 उंगलियाँ हैं तो ये मान के चलिए हेपेटाइटिस ए और ये हेपेटाइटिस ई, ये दोनों पानी और भोजन से एक से दूसरे में जा सकती हैं। अगर संक्रमित पानी होगा या ख़राब खाना होगा तो ये भोजन से पानी से जा सकती। रही 3 उंगलियां, हेपेटाइटिस बी, सी और डी। बी, सी और डी ये सारे ब्लड से जाते हैं। जैसे अगर मेरे को हेपेटाइटिस बी या सी है तो मेरा ब्लड किसी को लगे या मेरे यहाँ किसी को सुई लगे मेरी और दूसरे को लग जाए तो उसको बी या सी हो सकता है। तो अब ये याद रखना है कि ए और ई ये दोनों जो हैं आते हैं और चले जाते हैं अपने आप। जैसे शॉर्ट पीरियड के लिए जॉन्डिस हुआ, भूख बंद हो गई तो ये चली जाएंगी। बी और सी अगर बॉडी में रह गए तो निकलते नहीं है। 6 महीने तक अगर बी या सी है तो बॉडी से निकलेगा, और डी तभी होता है जब बी होता है। तो हमें सिर्फ याद रखने के लिए 4 वायरसेस हैं। और हेपेटाइटिस क्या होता है? जैसे टॉन्सिलाइटिस हो गया, भाई गला सूज गया, आपका टॉन्सिल सूज गया, अपेंडिक्स हो गया, अपेंडिसाइटिस, तो हेपेटाइटिस भी लीवर की एक सोजिश है और वायरस से हो सकती है, अल्कोहल से हो सकती है, फैट से हो सकती है। तो आज अगर हम सिर्फ वायरस की बात करें तो हमें ध्यान रखना है कि हेपेटाइटिस ए और ई अगर एक बार आते हैं तो जनरली इसमें जॉन्डिस होगा, भूख बंद हो जाएगी, उल्टियाँ हो सकती हैं, पेट में दर्द है। हाँ, डॉक्टर के जाने की हर बार ज़रूरत नहीं है, पर अगर बुखार हो, अगर आपका बेहोशी आने की स्थिति आ जाए, जैसे जब जॉन्डिस होता है उस समय वायरस ख़त्म हो गया, समझ लीजिए बीमारी ख़त्म हो गई, जॉन्डिस के बाद में सिर्फ रिकवरी होती। पर अगर बुखार, पेट में दर्द, ऑल्टर्ड बिहेवियर है तो ज़रूर डॉक्टर के पास जाएं। और आपने पूछा कितने लोगों को भारत में है, तो भारत हेपेटाइटिस ई का हाइपर एंडेमिक है। सबसे ज़्यादा हेपेटाइटिस ई होता है, हर साल बारिश आती है, सैकड़ों हज़ारों जगह पे छोटे छोटे एपिडेमिक हो जाते हैं, क्योंकि वो टॉयलेट का गंदा पानी जो है एक से दूसरे में पीने के पानी में मिल जाता है और लोगों को जॉन्डिस हो जाता है। हेपेटाइटिस है जनरली बच्चों की बीमारी है, स्कूल्स में होती है, एक छोटे भाई को हुई तो बड़े को भी हो जाएगी, बड़े को हुई तो छोटे को हो जाएगी। हाँ, बी और सी के बारे में हम जानेंगे एज वी गो थ्रू। जी बिल्कुल, इसके विषय में बहुत सारी भ्रांतियाँ भी हैं डॉक्टर वीरेंद्र। जैसे कहते हैं कि पीलिया हो गया तो लगता है कि क्या हेपेटाइटिस की शुरुआत है, किस तरह से इसकी जो भ्रांतियाँ हैं उनको दूर की जाए, और सबसे बड़े इसके लक्षणों को समझें कि अगर किसी व्यक्ति को ये संक्रमित होता है तो कैसे इसके लक्षण दिखाई देंगे? जी हाँ, देखिए हमारे समाज में बहुत सारी भ्रांतियाँ इस बीमारी के साथ जुड़ी हुई हैं, और जब हम देखते हैं कि किसी भी इंसान को अगर इन हेपेटाइटिस बी के 5 वायरसेस
या शरीर में प्रवेश होता है तो कुछ पीरियड ऐसा होता है कि उसमें बिल्कुल कुछ भी पता नहीं लगाया जा सकता, कोई लक्षण नहीं होगा और ये बहुत मुश्किल है ये कहना कि उसके अंदर वो वायरस गया या नहीं गया, क्योंकि उसकी अपनी एक ऐसी फितरत है उस वायरस की। जब कुछ टाइम बीत जाता है तो करीब 6 हफ्ते से 8 हफ्ते के बाद उनको लक्षण आने शुरू होते हैं, तो ये सब हमें जानना बहुत ज़रूरी है कि एक ऐसा टाइम होता है जिसमें कोई लक्षण नहीं होगा और उसके बाद फिर उनको भूख ना लगना, जैसे कि आपको अभी बताया गया, या कमजोरी रहना, अच्छा नहीं लगना, कुछ काम करने का मन नहीं करता है, और फिर धीरे से एक दिन देखते हैं कि उनकी आंखें पीली हैं या उनके यूरिन या पेशाब का रंग पीला होने लगा है, और शरीर में भी पीलापन आ सकता है, और अगर बहुत ज़्यादा बढ़ जाए तो जैसे कि अभी हमने जाना कि उनको बेहोशी की हालत भी आ सकती है। तो ये आम लक्षण होते हैं जो कोई भी इंसान पहचान सकता है, जान सकता है और मदद ले सकता है जी। ये इसमें एक बात और निकल कर आती है, जैसे ए से ई तक हेपेटाइटिस के आपने बताए, इसमें क्या लक्षण भी अलग अलग होंगे या इससे कुछ आपस में मिलते जुलते होंगे या इनिशियल लक्षण एक जैसे होंगे, क्या होगा इसमें? जो शुरुआत में लक्षण होते हैं उनमें डिफरेंस करना या उनको बताना ये संभव नहीं है, वो टेस्ट करके ही हमें पता लगता है कि किस तरह का पीलिया है। हाँ, हम ये जान सकते हैं कि जिस व्यक्ति को हुआ है वो व्यक्ति को कहाँ से मिला होगा ये वायरस या कीटाणु कहाँ से आया होगा, तो उससे हम कहते हैं। जैसे कि अगर आप देखिए कि कुछ लोग हैं जिनको जिनका काम है ऐसा कि जो हेल्थ प्रोफेशन में है और उनको सुई प्रिक हुई और उसके बाद में उनका कुछ आपको लगता है कि लक्षण आए, तो वो हम उनको कोरिलेट कर सकते हैं और जान सकते हैं कि इनको हो सकता है उससे हुआ हो, लेकिन टेस्ट करके ही पता लगता है जी। डॉक्टर सर, इन मोड्स ऑफ ट्रांसमिशन की बात की जाए, यानी एक संक्रमित व्यक्ति से दूसरे में कैसे ये जो संक्रमण है वायरस का फैलता है, हेपेटाइटिस बी और सी की अगर बात करें? ये ब्लड बॉर्न वायरसेस हैं, ब्लड या बॉडी के फ्लूइड्स जैसे आईज से टीयर्स हैं, सलाइवा है, वेजाइनल सिक्रीशंस, सीमन, इन सब से एक से दूसरे में जा सकता है। पर बहुत आसान तरीके में माँ से बच्चे को हेपेटाइटिस बी जाता है। 99% हेपेटाइटिस बी मदर बेबी ट्रांसमिशन है। तो अगर माँ को इन्फेक्शन है तो सोचेंगे माँ में गड़बड़, ऐसा नहीं है, माँ को उसके माँ से है। इस तरीके से वायरस इनहेरिटेड नहीं है, पर ट्रांसमिशन जो है जीन्स के कारण नहीं है, पर माँ के खून से बच्चे के खून में जाएगा। तो इसका क्या मतलब हुआ, घर में अगर एक को है तो दूसरे को भी हो सकता है, तीसरे को भी हो सकता है, सबको माँ से कुछ कुछ मिलता है, हर एक को नहीं मिलेगा, पर अगर एक को है तो कम से कम दूसरा परिवार में पॉजिटिव होगा, इसके चांस दुगने तिगने। फिर जब बच्चा पेट में होता है तो उस समय 9 मंथ्स के अंदर अगर 6 महीने तक वायरस बराबर एक्सपोज करता है तो बॉडी सोचती है तो अपना ही पार्ट है। तो जब बच्चा पैदा होता है नाक कान गला माँ से मिला तो वायरस को भी वो सोचता है ये अपना ही है, तो बॉडी की इम्यूनिटी उसको निकाल नहीं पाती। लाइफ लॉन्ग वो वायरस अगर माँ से मिला है तो बच्चा निकाल नहीं पाता, फिर लोग सोचते हैं यार अब क्या हुआ, और वो साइलेंट रहता है 10 साल 20 साल 30 साल, पता नहीं लगता। तो आपको कैसे मालूम कि भाई वायरस कितने साल का, जितनी आपकी उम्र है उतनी ही वायरस की उम्र है। और हम फिर कहते हैं हाँ भाई 30 साल का तुम हो, अभी तक कोई डैमेज नहीं हो, आगे भी नहीं होगा जी। तो इस तरह से बी का संक्रमण नॉर्मली मदर बेबी, हाँ अगर मेरा ब्लड, अगर मेरे को बी है दूसरे को चढ़ाया जाए तो डेफिनेटली हो सकता है, पर अगर ऐसे टाइम में वायरस आता है ब्लड से तो फिर एक्यूट इन्फेक्शन होता है। उसमें क्या है, जॉन्डिस, भूख नहीं लगना, उस समय सारे एक्यूट हेपेटाइटिस एक जैसे होते हैं जी। पर जो माँ से आता है उसमें पता नहीं। और सी जो है वो ब्लड से आता है, नीडल से या ब्लड ट्रांसफ्यूजन से, जैसे टैटू कराने गए, कान छिदवाने गए, नाक छिदवाने गए, इन सब से इन्फेक्टेड नीडल से, रीयूजेबल नीडल है, आपने एक नीडल ली फिर दोबारा उसी से दूसरे मरीज को इंजेक्शन लगाया, इन सारे कॉमनेस्ट कारण हैं हेपेटाइटिस बी और सी के जी। आयुर्वेदाचार्य डॉक्टर कौशिक दास महापात्रा सर, आपसे समझने की कोशिश करेंगे कि जो ए और ई, जैसा कि डॉक्टर सरीन ने शुरू में बताया कि इस तरह भोजन और जीवन शैली भी उसमें जोड़ सकते हैं, खान पान किस तरह से इसको रिफ्लेक्ट करेगा, खासतौर पर अगर ए की बात करें। हमारे आयुर्वेद में जो कहा गया है कि सबसे ज़्यादा जो हम लोग रुक से अन्नपान करते हैं, जैसे कि फास्ट फूड और पानी जो गंदा बहुत ही ज़्यादा होता है, और
एक आधारणीय बेग, मतलब कोई भी बेग आया, जैसे सिंपल एक छींक का बेग रोक दिया हमने, या यूरिन को थोड़ी देर हम लोग रोक के रखा, या स्टूल पास को थोड़ी देर रोक के रखा, तो इससे क्या होता है कि लीवर बहुत ज़्यादा डैमेज्ड हो जाता है और उसमें चांसेस है कोई भी अगर इन्फेक्शन है तो बहुत प्रोन हो जाते हैं पेशेंट। और यहाँ पर एक बात ज़रूरी है कि जो आपने शुरुआत में कहा था कि पीलिया होने से अगर लगता है कि आगे जाके ये जॉन्डिस हो सकता है, ये आयुर्वेद में कहा गया है जी। कि अगर कोई पेशेंट थोड़ा सा लैसिट्यूड, मतलब काम नहीं कर पाते हैं, थकावट बहुत ज़्यादा हो रहा है, भूख कभी कभी कम लग रहा है, हम लोग इस चीज़ को ज़्यादातर लोग अनदेखा करते हैं, खास करके महिलाएँ जो हमेशा हाउस होल्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी में ही रहते हैं। पर ये एक चांस है कि आगे जाके थोड़ा सा भी कॉन्टेमिनेटेड वाटर आ जाए, उनको वो रोक नहीं पाएंगे, उस बीमारी से ग्रसित होंगे जी। तो यहाँ पर हमें देखना चाहिए कि ऐसे चीज़ें जो बेग धारण कुछ ना करना, और खाना ऐसे खाए जो बिल्कुल फास्ट फूड ना हो, रूखा नपा ना हो, खाना प्रॉपरली कुक्ड हो, पानी बहुत साफ हो, और व्यायाम का मात्रा जो है, हम लोग एक्सरसाइज जो करते हैं वो ना तो बहुत कम और ना तो बहुत ज़्यादा। आप देखेंगे कि आजकल जिम करने वाले को भी बहुत सारे डिजीजेज हो रहे हैं, और इसका मेन कारण यही है कि वो लोग ज़रूरत से ज़्यादा ही कुछ एक्सरसाइज करते हैं। तो हमें एक प्रॉपर प्रोपोर्शन रख के ही सब कुछ करना चाहिए, जीवन में संतुलन बना के रख सकते हैं, तो इसमें प्रिवेंशन बहुत अच्छे से ही हो सकता है जी। और बचाव के लिए संतुलन और जानकारी और साथ ही स्वच्छता का ध्यान रखना भी जरूरी होगा। डॉक्टर वीरेंद्र, हेपेटाइटिस बी एंड सी, क्रॉनिक हेपेटाइटिस में किस तरह से बच्चों में लक्षण आते हैं, कौन सी वो आयु होगी, और क्योंकि बहुत कम उम्र से संक्रमण हो गया है, जो उनकी उम्र है जैसे जैसे बढ़ेगी, मानसिक विकास है, शारीरिक विकास है, क्या उस पर भी प्रभाव पड़ता है? जी हाँ, जैसा कि अभी हमने जाना कि बच्चे को जो संक्रमण होता है वो 90% से ज़्यादा केसेस में माँ से बच्चे को मिलता है जी। और ये जो वायरस है हमारे शरीर में बैठा रहता है, हमारा जिगर में जाके बैठ जाता है और 10-15 साल तक कुछ नहीं करता, उसके बाद में धीरे धीरे ये डैमेज करना शुरू करता है और हमारे जिगर में जो हमारी सेल्स होती हैं उन सेल्स को धीरे धीरे डैमेज करता है। जब ये डैमेज करता है तो इसमें लक्षण आने के कई रूप हो सकते हैं। एक हो सकता है कि किसी वजह से बच्चे की प्रतिरोधक क्षमता कम हुई, या उसको कोई और बीमारी लगी और इस वायरस ने अपने आप को बहुत ज़्यादा बढ़ा लिया और जो जिगर्स की सेल्स हैं उनको बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा दिया, और बच्चे का जिगर फेल भी कर सकता है, तो उसको हम कहते हैं एक्यूट लिवर फेलियर। उस कंडीशन में बच्चे को बेहोशी हो जाती है, पीलिया हो जाता है, शरीर में सूजन आ सकती है, पेट फूल सकता है, और बहुत गंभीर अवस्था में कभी कभी ऐसा भी देखा गया है कि बच्चे की मृत्यु भी हो सकती है। तो ये इसका एक रूप है। फिर दूसरा रूप होता है कि उसको लक्षण आते हैं, थोड़ा पेट में दर्द होता है और खाना ठीक से नहीं खाते, भूख नहीं लगती है, और फिर जब हम टेस्ट करते हैं तो हम देखते हैं कि इनको शायद थोड़ा सा उसका असर है, हेपेटाइटिस का असर है। जो बच्चों में डॉक्टर साहब कैसे पता चले इसकी, कैसे इसकी जांच हो, कब इसका इलाज शुरू करें, विशेष संदर्भ में बच्चों के बारे में? जी हाँ, देखिए बहुत ही अच्छा सवाल आपने पूछा है कि अगर कोई भी बच्चा आपको देखने में लगता है कि उसकी ग्रोथ ठीक नहीं है, आपने देखा कि उसका वजन, उसकी जो लंबाई है जितनी होनी चाहिए उतनी नहीं है, और आपने उसको एग्जामिन किया और आपको लगा कि उसके जिगर की जो मात्रा है वो ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ी हुई है और वहाँ पे थोड़ा उसको पेन भी है, दर्द भी है, तो ऐसे में आप देखते हैं, फिर आंखें चेक करते हैं, आंखों में अगर पीलिया नज़र आता है, यूरिन का कलर भी अगर आपको पीला नज़र आ रहा है, तो ऐसे में हम क्या करते हैं कि बच्चों के टेस्ट करते हैं और टेस्ट करके हम पता लगाते हैं कि ए है या बी है या सी है, किस तरह का वायरस है, और उसके हिसाब से फिर हम डिसाइड करते हैं कि इसका आगे क्या इलाज करना है। जी। अभी हमने जाना था कि ए और ई ज़्यादातर केसेस में कोई हमें स्पेसिफिक इलाज की ज़रूरत नहीं होती और अपने आप शरीर उसको निकाल देता है। बी और सी वायरस बैठे रहते हैं, इसको शरीर से निकाला नहीं जा सकता। हाँ, जब ये हमारे लिए नुकसान पैदा कर रहा है या शरीर में जिगर के अंदर सूजन पैदा कर रहा है तो हमें दवाइयों से इसको दबा के रखना पड़ता है।
तो बहुत सी दवाइयाँ उपलब्ध हैं आज की तारीख में, और मैं माता पिता को ये जानकारी देना चाहूँगा कि अगर किसी बच्चे को पी लिया है और आपको लगता है कि जिगर की परेशानी है तो ज़रूर अस्पताल में जाएं और जल्द से जल्द जांच करा के उसका इलाज शुरू करें। जी, और फिलहाल एक कॉलर हैं झारखंड से हमारे साथ, राजा राम जी हैं फोन लाइन पर। स्वागत आपका, सवाल पूछिए। गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग टू यू। मैं राजा राम साहब बोल रहा हूँ मैम, झारखंड से। डॉक्टर सिरीन से पूछना चाहता हूँ मैम कि जैसे ये पांच प्रकार के हेपेटाइटिस बताए गए मैम, ए बी सी डी ई, और ये ऑटो इम्यूनो हेपेटाइटिस जो होते हैं मैम, ये क्या है मैम, और ये खास करके फीमेल को ही क्यों होते हैं? क्योंकि मुझे मैम एक मेरी सिस्टर को जब ये हुए थे तो मुझे डॉक्टर के द्वारा ही बताया गया कि ऑटो इम्यूनो हेपेटाइटिस है जो मतलब खास करके यंग एज के फीमेल को ही होते हैं जी, और इसके प्रिकॉशन क्या है मैम, और इसके क्या लक्षण है, हम लोग कैसे पहचान और इससे कैसे बच सके जी, इसके बारे में? हाँ बिल्कुल डॉक्टर सरीन, कई सवाल हैं इनके। पहला, हम वायरल हेपेटाइटिस की बात कर रहे हैं, उसके अलावा ऑटो इम्यून हेपेटाइटिस ये क्या है, कैसे इससे बचा जा सकता है? राजा राम जी, आपने वर्ड ऑटो का समझा होगा, ऑटो मतलब सेल्फ, ऑटो रिक्शा जो खुद ही चला रहा हो, तो ऑटो इम्यून हेपेटाइटिस मतलब बॉडी अपने आप से अपने ही लिवर के खिलाफ जंग लड़ रही है, और इसीलिए वो उस लिवर को जो आपका अपना है उसे अपना नहीं समझती, उसी लिवर को डैमेज करती है, और ये रिएक्शन शुरू होती है कई बार कोई दवाई लेने से, कई बार किसी खाने से, या कभी कभी मदर से भी कोई एंटीबॉडीज़ मिल जाती हैं। नॉर्मली इसमें जॉन्डिस होने की संभावना है, लिवर के एंजाइम्स बढ़ जाते हैं, थोड़े से परसेंटेज में जॉन्डिस होता है, जॉइंट पेन है, आईज़ लाल होने लग जाती हैं, और भूख नहीं लगना हो सकता है, और फीमेल्स में ज़्यादा होता है क्योंकि जैसे किसी को अबॉर्शन हो गया हो, अबॉर्शन इज़ ए वे कि मदर और बेबी में संगत नहीं बनी और बॉडी ने उसको रिजेक्ट कर दिया, पर उसका रिजेक्शन किसी तरीके का अबॉर्शन का लिवर पर असर कर सकता है। तो जब हमारे पास ऑटोइम्यून हेपेटाइटिस की कोई लेडी आती है, सबसे पहले ये पूछते हैं कोई अबॉर्शन हुआ था, कहती है हाँ, और उसके बाद से बीमारी शुरू हो जाती है। तो ऑटोइम्यून हेपेटाइटिस जनरली इज़ बिकॉज ऑफ फाइटिंग ऑफ बॉडी अगेंस्ट द लिवर, और आसान इसका इलाज है, स्टीरॉयड्स देने पड़ते हैं, पर डायग्नोसिस से पहले लिवर की बायोप्सी कई बार करनी पड़ती है, कुछ ब्लड टेस्ट होते हैं, और लिवर की सब बीमारियों में आसान बीमारी है और आसानी से इसको रोका जा सकता है, बल्कि ट्रीट किया जा सकता है जी। तो उम्मीद है कि राजा राम जी को अपने सवाल का जवाब मिल गया होगा। फिलहाल ये चर्चा हम जारी रखेंगे, लेकिन यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइएगा, जल्द हाजिर होंगे। पक्की होगी बुनियादे तो हंसे हिंदुस्तान होगा। वंडर सीमेंट, एक परफेक्ट शुरुआत। हेलो, कौन? नमस्कार मैडम जी, हम दास, वही जो बच्चों को देते हैं बड़ा कास्ट। सोचा आपको बता दें कि हम फिर मिलने आ रहे हैं आपके बच्चे से, उसकी तबीयत बिगाड़ेंगे। दस्त ऐसे दस्तक देकर नहीं आते, तो दस्त के लिए तैयार रहना। घर में ORS और जिंक है ना? दस्त की इलाज में देरी हुई तो शरीर में पानी और पोषण की कमी जानलेवा हो सकती है, इसलिए दस्त शुरू होते ही ORS और जिंक शुरू करें। दस्त के लिए तैयार रहना, घर में ORS और जिंक है ना? अरे भैया, क्या हमेशा के लिए बैंगलोर जा रहे हो क्या? प्लानिंग तो परफेक्ट होनी चाहिए ना, अब वहाँ किसी चीज की जरूरत होगी तो क्या भोपाल वापस आऊंगा? फिर ठीक है, लेकिन वहाँ अपना आधार अपडेट करना नहीं भूलना। आधार अपडेट? हाँ, पर कैसे करवाऊँ? किसी भी बैंक या पोस्ट ऑफिस के आधार केंद्र में जाकर आप अपने आधार को अपडेट करवा सकते हैं, और एड्रेस के लिए UIDAI की वेबसाइट पर जाकर खुद बदल सकते हैं। जीवन को आसान बनाने के लिए हम हैं आधार के साथ। मेरा आधार, मेरी पहचान। ब्रेक के बाद टोटल हेल्थ में आपका स्वागत है। हेपेटाइटिस से बचाव कैसे किया जा सकता है, इस विषय पर आज हम बात कर रहे हैं। जानकारी को कुछ और आगे बढ़ाते हैं। डॉक्टर सरीन, दो सवाल आपसे यहाँ जानना चाहेंगे। एक बात जो डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ने कही थी कि बहुत समय तक जब व्यक्ति संक्रमित हो जाता है या बच्चा संक्रमित होता है तो लक्षण नहीं आते, तो कैसे उस व्यक्ति को पता चलेगा कि क्या हेपेटाइटिस से संक्रमित है, यानी जाँच कब करवाएं,
और क्या अगर एसिम्प्टोमेटिक है उस दशा में इलाज की शुरुआत करने की आवश्यकता होगी? हेपेटाइटिस बी वायरस बहुत स्मार्ट वायरस है और अगर ये 6 महीने तक बॉडी से नहीं निकलता तो हमेशा रहता है करीब करीब, और निकलने का एक ही तरीका है कि जिस लिवर के सेल में वायरस है वो सेल मरेगा तभी वायरस निकलेगा, नहीं तो नहीं निकलेगा। तो ये बॉडी एक तरह से उसे टॉलरेट करती रहती है और वायरस निकलता नहीं है। पर हाँ, टेस्ट कैसे कराएं, कैसे मालूम मुझे हेपेटाइटिस बी है उसको हेपेटाइटिस बी है, क्योंकि इसके कोई लक्षण नहीं। तो 5-6 तरह के लोगों को ज़रूर अपने टेस्ट वैसे ही करा लेने चाहिए जैसे परिवार में किसी को और हेपेटाइटिस बी हुआ हो, या किसी की डेथ लिवर कैंसर से हुई हो किसी भी समय, या किसी को खून की उल्टी आई हो, पेट में दर्द के साथ में पेट में पानी आया हो, पैरों पर सूजन आई हो, या शरीर एकदम सूख जाए और खाने के समय भूख ना लगे, इन सबको हेपेटाइटिस बी के लिए अपने टेस्ट जरूर कराने चाहिए। हाँ, अगर आप किसी भी कारण से अस्पताल जा रहे हो, अपने दोस्त को भी लेके जा रहे हो, रिश्तेदार को भी, अरे भाई मेरा एक चेक करा दो, उसमें कोई बुराई नहीं है कि आप हेपेटाइटिस बी का टेस्ट कराएं, और साथ ही हेपेटाइटिस सी का बहुत 20-30 रुपए के अंदर दोनों टेस्ट हो जाते हैं। और भारत में करीब 4 करोड़ लोगों को है, मतलब 4% को बी है, करीब 1% को सी है, मतलब 5 करोड़। तो क्या पता इन 100 लोगों में से किसी 20 को किसी में ये वायरस निकल जाए। और हेपेटाइटिस सी के लिए बिल्कुल याद रखें कि 2001 के बाद भारत में हेपेटाइटिस सी की टेस्टिंग शुरू हो गई सारे ब्लड बैंक्स में जी, पर उससे पहले नहीं करते थे। तो अगर आपका, आपके रिश्तेदार का कोई ऑपरेशन, सर्जरी, ब्लड ट्रांसफ्यूजन, एंजियोग्राफी, प्रोस्टेट, गायनी की ऑपरेशन हुई हो तो आप ज़रूर टेस्ट करा लें, क्योंकि उस समय अगर हेपेटाइटिस सी आया तो वो 20-30 साल साइलेंट रहेगा, और उसके बाद 30 ईयर्स के बाद में वो वायरस पता लगेगा, आप सिरोसिस हो गया, लिवर डैमेज हो गया, क्रॉनिक हेपेटाइटिस हो गया। तो ये वायरसेस मल्टीप्लाई करते रहते हैं और बॉडी के जो लिवर के सेल्स हैं धीरे धीरे मरते रहते हैं, और उन सेल्स पर नए सेल्स नहीं बनते, वहाँ पे स्कार बन जाता है, जैसे आपका घाव है वैसे स्कार बन जाएगा, लिवर धीरे धीरे श्रिंक हो सकता है। हर एक में नहीं होता, डरिए नहीं, लगभग 100 में से 30 या 35% जिनको हेपेटाइटिस सी है उनमें बीमारी होगी, और हेपेटाइटिस बी में 1 से 10% में। दूसरे तरीके से देखें तो 90% ठीक है, उनमें इन्फेक्शन है, डिजीज़ नहीं है। तो हम लोगों को सेपरेट करना है इन्फेक्शन और डिजीज़, उनको इन्फेक्टेड मत करिए कि साहब ये खराब लोग हैं, इनके अंदर कुछ गड़बड़ है, ऐसा नहीं है, सिर्फ इन्फेक्शन है उनमें। तो जो हजारों लाखों करोड़ों लोग हैं उनको हम इसीलिए अलग कर देते हैं कि साहब ये इन्फेक्टेड है, इन्फेक्शन है, हजारों इन्फेक्शन है, मदर से मिलते हैं, सोसाइटी से, एनवायरनमेंट से मिलते हैं, तो इनको आप ऐसे ना समझें। और हर एक में डिजीज़ नहीं होती है, अगर हमने उनको डिटेक्ट कर लिया फ़ायदा क्या हुआ, लोग डर जाते हैं, कहते हैं यार मुझे हेपेटाइटिस बी है। फॉर एग्जांपल किसी को डायबिटीज़ हो जाए तो आप कहोगे यार उसको डायबिटीज़ हो गए, हाँ यार मेरे दोस्त को भी थी, मेरे पिताजी को भी है, मेरे चाचा जी को भी है, तो कोई डरता नहीं है डायबिटीज़। लेकिन हेपेटाइटिस के मामले में ऐसा नहीं, हेपेटाइटिस में जैसे एक प्रेग्नेंट लेडी है 25 साल की, वो गई अपना गायनी चेक कराने, वहाँ ब्लड टेस्ट हुआ, मालूम पड़ा हेपेटाइटिस बी है। अब उसकी समस्या ये है कि वो घर कैसे जाए, वो जाके हस्बैंड को कैसे बताए कि मुझे हेपेटाइटिस बी निकला है, अपने पिताजी को कैसे बताए, ब्रदर को, सोचेंगे गड़बड़ है इसमें कुछ। और इस डर से कि मुझे पता लग गया हेपेटाइटिस बी, ना तो वो बताएगी ना इलाज कराएगी, और ये जो है हम लोगों को बदलना है, क्योंकि उसकी कोई गलती नहीं है, 25 साल की है, माँ से उसको मिला, 25 साल का वायरस उसके अंदर है, बीमारी नहीं है, शी इज जस्ट इन्फेक्टेड एंड दैट इन्फेक्शन कैन ईजीली बी ट्रीटेड। तो इसलिए हमें लक्षण होने तक वेट नहीं करना है, हमें बीमार नहीं बनने देना है, हमें इन्फेक्टेड लोगों को जिनमें इन्फेक्शन है उनको किस तरह से डिटेक्ट करना है, बी के लिए अलग है और सी के लिए अलग है, दोनों वायरसेस जाते हैं ब्लड से, नीडल से जी। बिल्कुल, तो लक्षण होने से डरने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन बीमार भी नहीं होना है, उसका इलाज बेहतर तरीके से कराना है। हमारे एक कॉलर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सौरभ कोलकाता से। सौरभ जी पूछिए अपना प्रश्न। रिस्पेक्टेड सर, रिस्पेक्टेड मैम, रिस्पेक्टेड डॉक्टर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सौरभ जी। मेरा पहला प्रश्न है, यदि कोई व्यक्ति
हेपेटाइटिस की जांच के लिए ब्लड टेस्ट करवाए और वह पहली बार में हेपेटाइटिस पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, तो यह सुनिश्चित करने के लिए कि वह वास्तव में हेपेटाइटिस पॉजिटिव है या नेगेटिव, उसे कितनी बार टेस्ट करवानी चाहिए। मेरा दूसरा प्रश्न है, क्या मेडिकेशंस की आवश्यकता केवल क्रोनिक हेपेटाइटिस इन्फेक्शंस के ट्रीटमेंट में ही होती है या अक्यूट हेपेटाइटिस इन्फेक्शंस के ट्रीटमेंट में भी? थैंक यू सर, थैंक यू मैम। जी डॉक्टर सलीम, हेपेटाइटिस का टेस्ट बहुत आसान है। आप जैसे अपनी ब्लड शुगर का, हीमोग्लोबिन तो सभी कराते हैं ना, तो मेरा हीमोग्लोबिन 15 है, 16 है, तो हीमोग्लोबिन कराएं साथ में बी और सी का। लाइफ में एक ही बार टेस्ट कराना है, अगर नेगेटिव है तो हेपेटाइटिस बी की वैक्सीन लगवा लें, 3 टीके लगाने हैं। बाहर डिनर खाते हैं 200 रुपये का, उतने के अंदर तीनों टीके लग जाएंगे, और हेपेटाइटिस सी की वैक्सीन नहीं है, उससे बचना है। तो टेस्ट एक ही बार कराना है बी और सी का। अब रहा इलाज, जॉन्डिस का होना एक्यूट हेपेटाइटिस में एक तरह से अच्छी बात है, मतलब वायरस भी मरा और थोड़े बहुत लिवर के सेल्स मरे और वायरस अपने आप निकल जाता है। एक्यूट हेपेटाइटिस ए और ई सेल्फ लिमिटिंग है, बॉडी में इतनी रेजिस्टेंस है कि उनको निकाल सकती है। पर हाँ, अगर किसी एक्यूट हेपेटाइटिस में, जॉन्डिस में बुखार आए, पेट में दर्द हो, बिहेवियर बदल जाए, पैर में सूजन आ जाए या पेट में दर्द हो जाए, या ऐसा लगे जॉन्डिस के बाद में बीमारी बढ़ती जा रही है, शरीर पे लाल निशान हो जाए, ब्लीडिंग टेंडेंसी हो जाए, तो इट इज़ ए सीरियस प्रॉब्लम। और ये एक्यूट हेपेटाइटिस के लिए 5-6 तरह के लोग हैं जिन्हें ध्यान रखना है। अगर आपको डायबिटीज़ है, अगर आप मोटे, मतलब मोटे नहीं, मतलब ओवरवेट हैं थोड़े से, और आप ड्रिंक्स लेते हैं, अगर आप हैवी ड्रिंकर हैं, ओबीज हैं, या आप डायबिटीज़ के मरीज़ हैं, या किडनी की कोई प्रॉब्लम है, या आपका कोई ट्रांसप्लांट हुआ है, ऐसे सारे व्यक्तियों को एक्यूट हेपेटाइटिस बहुत सीरियस हो सकती है, उनको डेफिनेटली डॉक्टर की सलाह लें। पर नॉर्मल आपके और मेरे जैसे लोगों को एक्यूट हेपेटाइटिस में कोई इलाज की ज़रूरत नहीं है, इट इज़ सेल्फ लिमिटिंग। जॉन्डिस होते हुए भी आप नॉर्मल डाइट खा सकते हैं, कोई उसमें नॉर्मली रेस्ट्रिक्शन नहीं। बिल्कुल डॉक्टर वीरेंद्र, अगर बच्चों के विशेष संदर्भ में बात की जाए, खासतौर पर बी और सी में, किस तरह से इसकी गंभीरता जो है वो रोग की आगे बढ़ सकती है, बढ़ती है, किस तरह से इसमें जागरूकता लाने की ज़रूरत है, आपको क्या लगता है? जी हाँ, देखिए जागरूकता ही बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है इसमें, क्योंकि जैसा कि हम जानते हैं कि एक बार जब बच्चे में वायरस आता है तो निकलता नहीं है और हमेशा के लिए बैठ जाता है, और ऐसी हालात में हमें ये जागरूक होना बहुत ज़रूरी है कि बच्चे को जो माँ से ये वायरस मिल रहा है उसको रोका जाए। तो उसमें हमें सावधानी रखी जाती है, और आजकल हमारे भारत सरकार ने ये अपना एक प्रोग्राम चलाया हुआ है जिसमें हर गर्भवती महिला की ये टेस्ट होती है हेपेटाइटिस बी और सी की। अगर ये लक्षण उसमें संक्रमित पाया जाता है तो उस माँ की, जब ये बच्चा का जन्म होता है, तो उस समय ध्यान रखा जाए और तुरंत उसको रोकने के उपाय किए जाएं। डॉक्टर वीरेंद्र, इस पर हम फिर से लौटेंगे, उससे पहले डॉक्टर महापात्रा, एक जो डिस्कशन में बात आई थी कि जब भी व्यक्ति को ये पता चलता है कि वो संक्रमित हो गया है हेपेटाइटिस वायरस से, तो एक प्रकार का डर रहता है। सोसाइटी में एक्सेप्टेंस की बात करें तो किस तरह का आप देखते हैं बदलाव, क्या एक्सेप्टेंस अभी है, या उस तरह से डिस्क्रिमिनेशन जैसे एक समय पर एचआईवी के पेशेंट्स को लेकर हुआ करता था कि भाई एचआईवी का वायरस इन्फेक्टेड है पेशेंट तो ये चीजें नहीं कर सकता, या उसको अलग करने की बात है, किस तरह का जो ओवरऑल आप देख रहे हैं एनवायरनमेंट में कुछ बदलाव है एक्सेप्टेंस के लेवल पर? देखिए, जहां तक एक्सेप्टेंस की बात है, मैंने सिर्फ भारत में नहीं देखा, विदेशों में भी ऐसे हैं और कुछ यूरोपियन कंट्रीज और यूएसए में भी देखा। यहां पर मेन बात होता है कि एक्सेप्टेंस पहले पेशेंट के खुद के मन में होनी चाहिए, वो खुद कितना ब्रॉडली इसको चीज मतलब एक्सेप्ट करते हैं कि मैं बीमार हूं और मुझे पहले ठीक होना है। ठीक है, अगर किसी पेशेंट को लगता है कि मैं देखने में सुंदर नहीं हूँ, वो ऑब्वियसली अपने सुंदरता के लिए कुछ ना कुछ करेंगे, लोग क्या समझ रहे हैं उसके बाद की बात तो जरूर है। बॉडी इमेज एक अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण होता है। जहाँ तक एक्सेप्टेंस हो जाए या नहीं हो जाए, इसलिए हम लोग जब भी जॉन्डिस की बात या हेपेटाइटिस की बात करते हैं, हम पेशेंट को थोड़ा सा काउंसलिंग भी करते हैं कि, और आप देखेंगे कि लीवर में, लीवर की किसी भी डिजीज में स्ट्रेस एक बहुत बड़ा मैटर रखता है। पेशेंट को खुद को एक मेंटल स्ट्रेस होता है, तो हम उसको कम करने के लिए बोलते हैं ताकि लीवर उनका ठीक रहे, सुरक्षित रहे।
और घर में जो भी अवेलेबल चीज़ें होते हैं उसमें से काफ़ी हद तक हम लोग उसको ठीक कर सकते हैं। हम लोग प्रिवेंशन की बात कर रहे हैं और कभी कभी कुछ एक्टिव मैनेजमेंट जो घर से ही शुरू हो सकता है, जैसे कि हम लोग पहले योगा की बात करते हैं जी। अगर दिन में हमारे पास 3 मिनट भी समय है तो एक बार पवन मुक्तासन और भुजंगासन करते हैं तो लीवर काफ़ी ठीक रहता है और उससे माइंड भी बहुत सेटअप रहता है कि हाँ मतलब कोई भी चीज़ हो, चाहे लीवर की प्रॉब्लम हो चाहे कोई और चीज़ हो, उसको हम एक्सेप्ट करते हैं जी। और दूसरी बात होता है कि जब ट्रीटमेंट की बात या प्रिवेंशन की बात है, दोनों में ही हल्दी और त्रिफला बहुत अच्छा काम करता है इसमें। वो धीरे धीरे वायरस को भी ठीक करता है और लीवर को काफ़ी एक्टिव बना देता है जी। एटलीस्ट द रेस्ट ऑफ द सेल्स, लीवर सेल्स, हेपेटोसाइट्स, वो बहुत एक्टिव रहे ताकि पेशेंट को कोई प्रॉब्लम ना। जी, तो काफी सहायक योगदान हो सकता है अगर इस तरह की सपोर्टिव थेरेपीज भी साथ में की जाती हैं। डॉक्टर वीरेंद्र, जो आप बात कह रहे थे कि अगर मदर हेपेटाइटिस पॉजिटिव है तो संक्रमण बच्चे में ना जाए, अब दो तरीके हो सकते हैं जानकारी। एक बात है डिलीवरी के समय जो एक अहम पीरियड माना जाता है जिसमें संक्रमण ट्रांसमिट हो सकता है, किस तरह के उपाय तब किए जाने चाहिए, कौन सी बातों का ध्यान विशेष तौर पर रखना होगा जिस इंस्टीट्यूशन में डिलीवरी हो रही है और जो डॉक्टर्स या एक्सपर्ट्स डिलीवरी करवा रहे हैं जिससे बच्चा इस संक्रमण से बच सके। जी हाँ, ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है और हर माता पिता को ये जानकारी होनी चाहिए कि अगर माँ के खून के टेस्ट में जब हमने पाया गया कि जब बच्चा पेट में है और उस समय माँ के खून में हेपेटाइटिस बी का संक्रमण है, तो ऐसे टाइम में जब हम बच्चे को जन्म देने का समय आता है तो वहाँ ये बहुत ज़रूरी है कि सारी सुविधाएं हो और सेफ डिलीवरी हो बच्चे की। और सेफ डिलीवरी के साथ साथ ये हमें सुनिश्चित करना बहुत आवश्यक है कि उसी समय हम बच्चे को उसकी प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए तुरंत एक इम्यूनोग्लोबुलिन होते हैं वो दें और साथ में एक टीका दें जो हेपेटाइटिस बी का बहुत ही कारगर टीका है जी। और ये टीका अगर हम दे देते हैं और उसके बाद उसको 3 खुराक और दी जाती हैं जिसको हम 0, 6, 10 and 14 weeks पे देते हैं और ये नियमित टीकाकरण अगर हो जाता है तो ये वायरस का असर बच्चे के ऊपर होने का जो चांस है बहुत ही कम हो जाता है, नेग्लिजिबल हो जाता है और हम ये मानते हैं कि बच्चे को इस संक्रमण से मुक्ति मिल जाती है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हर माँ बाप को अगर इसमें कभी भी ये लक्षण पाया गया तो परेशान ना हो, चिंता ना करें, हॉस्पिटल में जाएं और वहाँ पे बच्चे को नियमित टीकाकरण कराया जाए जी। अब सवाल ये देखा गया है कि क्या नियमित टीकाकरण करने के बाद भी बच्चे को थोड़ा बहुत चांस है कि वो आ सकता है वायरस, तो ऐसा देखा गया कि बहुत ही कम मात्रा में ये आ सकता है कुछ बच्चों में और वो अमेरिकन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स एक एजेंसी है जिसने कुछ ऐसी माता और बच्चों के कॉम्बिनेशन को देखा कि उनमें कितना हो सकता है अगर हम नियमित टीकाकरण करें उसके बाद भी। तो उनके जो शोध में पाया गया कि 100 में से 1 बच्चे को फिर भी चांस होता है और ये वो माताएं हैं जिनकी उम्र थोड़ी कम है या जिनकी प्रतिरोधक क्षमता थोड़ी कम है और उनके अंदर वायरस का संक्रमण बहुत ज़्यादा है। ऐसे में ये देखा गया कि अगर इन माताओं को हम पहले से ट्रीट करें, जब बच्चे का अभी जन्म नहीं हुआ उस समय भी थोड़ा ट्रीट करें तो संक्रमण की जो मात्रा है वो कम हो जाएगी जी। जी, एक कॉलर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सुरेंद्र जी हैं जम्मू कश्मीर से। जी सुरेंद्र जी, पूछिए अपना सवाल। सुरेंद्र जी, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? हाँ जी सर। जी नमस्कार, पूछिए अपना सवाल। नमस्कार सर। सुरेंद्र जी सवाल पूछिए अपना। हाँ सर, मेरा पहला सवाल ये है ना। हाँ सर, मेरे एक रिलेटिव है, उनके नवंबर में। जी जी पूछिए। हाँ जी, नमस्ते सर। सुरेंद्र जी, अपने टीवी की आवाज कम कर दीजिए। आवाज कम कर दीजिए और सवाल पूछिए। नमस्ते सर। नमस्ते डॉक्टर। सर मेरा पहला सवाल ये है कि मेरे रिलेटिव है एक लेडीज, उनके नवंबर में ज्वाइंटिस हुआ था और ज्वाइंटिस के दौरान डॉक्टर ने टेस्ट करवाया HBS AG, तो उस दौरान उनका HBS AG रिएक्टिव आया है सर जी। और उसके बाद में उनका ट्रीटमेंट भी चला है और अब मई में
जी हाँ जी हाँ जी टीवी की आवाज मैम, एक्चुअली मैम मैं आर्मी में हूँ और मैं जेएनके में डिप्लॉयमेंट हूँ और ये अभी टीवी मेरे पास है नहीं, मैं खाली मोबाइल से ही सुन पा रहा हूँ आपको ना, जी जी ठीक देख के ही। डॉक्टर सरीन आप कैसे एड्रेस करना चाहेंगे? इनका सवाल ये है कि नवंबर में शायद टेस्ट करवाया गया तो नेगेटिव था, नहीं रिएक्टिव आया, उन्होंने कहा कि उसके बाद शायद चेंज हुआ। सुरेंद्र जी अगर वो हेपेटाइटिस जॉन्डिस हुआ और हेपेटाइटिस बी रिएक्टिव आया है जैसा मैं समझ रहा हूँ, तो ये एक बिल्कुल पढ़ने लिखने की और पूरे देश वालों को समझने वाला एक जो मरीज का किस्सा है। हम लोग सुबह से ये बात कर रहे हैं कि हेपेटाइटिस बी साइलेंट रहता है बॉडी में, साइलेंट मतलब 10 साल 20 साल 30 साल, फिर एक बार वो रिएक्टिव होता है, मतलब अब बॉडी उस वायरस को रिकॉग्नाइज करने लगती है कि हाँ ये ऑफेंडर है, ये वायरस अब निकालना है, और उस समय जॉन्डिस होता है, इसे हम कहते हैं रीएक्टिवेशन ऑफ द वायरस, और ऐसे टाइम में बॉडी वायरस को मारने की कोशिश करती है। किसी किसी में करीब 5% में बॉडी सक्सेसफुल होती, 95% में बॉडी सक्सेसफुल नहीं होती, तो ऐसे समय में तुरंत डॉक्टर की सलाह लेनी ज़रूरी है और उस समय वायरस को दबाना है। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, अगर किसी के ब्लड में वायरस खून से आए और एक्यूट जॉन्डिस हो, उसको जॉन्डिस हो जाए, पर पहली बार जॉन्डिस हुआ है, तो उस समय बॉडी में इतनी ताकत होती है कि वायरस को मारती है, तो वायरस की क्वांटिटी बहुत कम होगी। और अगर आपका रीएक्टिवेशन है, मतलब 30 साल के बाद वायरस एक्टिव हुआ है, तो बॉडी में शक्ति नहीं है, वायरस की तादाद बहुत ज़्यादा होगी। तो एक्यूट हेपेटाइटिस में वायरस को दबाने की दवाइयां नहीं देते और रीएक्टिवेशन में हेपेटाइटिस बी के वायरस को दबाने की दवाइयां देते हैं, और ऐसे व्यक्ति में बार बार जॉन्डिस होता है और लिवर ख़राब हो सकता है। बिल्कुल स्पेशलिस्ट की सलाह लेकर के और लाइफ लॉन्ग हेपेटाइटिस बी की दवाई लेनी जरूरी है ऐसे मरीज, कई बार लिवर ट्रांसप्लांट की जरूरत पड़ती है। हेपेटाइटिस का जो इलाज है डॉक्टर वीरेंद्र, क्योंकि बच्चों में अगर शुरुआत होगी तो जाहिर तौर पर लंबे समय तक चलेगा क्योंकि उनकी उम्र कम है, क्या उसके साथ प्रिकॉशंस रखनी होती हैं और क्या कुछ खास तरह की एक्टिविटीज या कोई ऐसे काम जो रिस्ट्रिक्शन में रखने होंगे कि बच्चे उन्हें नहीं कर सकते या थोड़ी सावधानी रखी जाए? जी हाँ, देखिए ये बहुत महत्वपूर्ण है जानना कि बच्चे की अवस्था क्या है, किस उम्र में बच्चे को लक्षण आने शुरू हुए हैं और उसके जिगर पर कितना प्रभाव है। अब जैसा कि हमें अभी बताया गया कि अगर पहली बार पीलिया हुआ है तो पहली बार पीलिया होने में शरीर के अंदर प्रतिरोधक क्षमता का अभाव नहीं है और उसको बड़े आराम से दूर किया जा सकता है या दबाया जा सकता है और बच्चा एक अपने आप रिकवरी फेज में चला जाएगा, लेकिन वायरस जरूर रहेगा शरीर के अंदर। लेकिन जब वो दोबारा से लक्षण पैदा करता है जो बच्चों में 10 साल 20 साल की उम्र में आके कर सकता है, उस समय इलाज की ज़रूरत होगी और हमें उस बच्चे के आजकल बहुत सारे ऐसे टेस्ट उपलब्ध हैं जिससे हम ये जान सकते हैं, ये बता सकते हैं कि बच्चे के अंदर कितना वायरस कितनी मात्रा में है, उसको नापा जा सकता है, टेस्ट किया जा सकता है। तो बच्चे के लक्षण कितने हो रहे हैं, जिगर पर डैमेज कितना है, नुकसान कितना हो चुका है और बच्चे के अंदर वो टेस्ट की जो रिपोर्ट है उसमें क्या आ रहा है, उसके हिसाब से फिर डिसाइड किया जाता है। और आज की तारीख में प्राइमरीली दो तरह की दवाइयाँ उपलब्ध हैं जिनके सहारे ये इलाज किया जा सकता है और उस वायरस को फिर से दबाने का काम किया जा सकता है। इस वायरस को हम शायद दूर तो नहीं कर सकते लेकिन दबा के एक बच्चे को नॉर्मल लाइफ दे सकते हैं। फिर आपने पूछा कि बच्चे की जो अवस्था है, वो छोटा बच्चा है, उसको बढ़ना है और एक अपनी युवा अवस्था में जाना है, तो ऐसे में अगर बच्चे को लगातार लक्षण बने हुए हैं, उसको पी लिया है, उसको पेट में दर्द है, ठीक से भोजन नहीं कर पाता है, तो ये जाहिर है कि बच्चे की ग्रोथ पे भी असर होगा और कहीं ना कहीं जाके जितना उसका अपना पोटेंशियल है, जितनी हाइट आनी चाहिए या जितना वेट होना चाहिए वो नहीं आएगा। डॉक्टर कौशिक, जैसे कि बार बार कहा जा रहा है कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर और इसके बारे में जागरूकता फैले, खासतौर पर जो ए और ई का जो बैक्टीरिया है, वायरस है, किस तरह से इसका बचाव किया जाए, आयुर्वेद क्या कहता है इस बारे में? इसमें जो अभी सवाल हुआ था कि पेशेंट को अचानक से एक्टिव हो गया है और उसमें आगे जाके क्या हो सकता है, जी
प्रिवेंशन एक तरफ है जो हमने अभी तक डिस्कस किया था, उसमें कुछ जवाब मिला होगा। इसके अलावा भी आयुर्वेद में दो तीन चीज़ें हैं जी। पंचकर्म, पंचकर्म में मेन दो पार्ट वमन और विरेचन अगर हम लोग करवा देते हैं जो कि एक ही दिन का काम है, और उसमें हमने देखा जिसमें फैमिली में अगर है उस पेशेंट में हर साल अगर हम लोग लगातार 3 या 4 साल तक वमन करते हैं एक ही दिन, साल में एक ही दिन यूजुअली हम लोग कोशिश करते हैं कि मार्च और अप्रैल के बीच में अगर उसको कर दिया जाए तो उनको सालों तक, इवन हमने फॉलोअप रखा लगभग 12 साल तक हमने उसको फॉलोअप रखा कि कभी भी नहीं हुआ है और हो सकता है कि आगे कभी ना हो इन सब चीज़ों में और ना कोई फीचर्स आया है उनमें। पेशेंट खुद भी आते हैं कि हम अभी 5-6 साल बाद आके एक बार वमन और विरेचन करवा लेते हैं, और विरेचन का सही समय है अक्टूबर नवंबर में। तो ये मेन बात है, अगर वो पेशेंट नहीं भी कर सकते हैं क्योंकि ज़्यादातर गवर्नमेंट सेटअप में ये इजीली अवेलेबल है और फ्री ऑफ कॉस्ट है, प्राइवेट सेटअप में थोड़ा सा कॉस्टली है, तो अगर प्राइवेट सेटअप में नहीं भी जाना चाहते हैं तो एटलीस्ट हफ्ते में एक दिन त्रिफला चूर्ण ले लें, किसी भी एक दिन रात को गर्म पानी के साथ ले लें, तो इसमें पूरा प्रिवेंशन रहता है हमने देखा। और कभी भी अगर क्यूरेटिव फेज में भी हमने देखा और पेशेंट के फॉलोअप में भी रखा, ओवर द पीरियड ऑफ 4 to 5 months में हमने देखा कि हेपेटाइटिस बी नेगेटिव हो गया और सालों तक पेशेंट उसमें ठीक। तो इतना हम लोग कर सकते हैं। और एक चीज़ जहाँ पर जो आपने एकदम शुरुआत में किया था कि पीलिया से जो होता है इन सब चीज़ों में, उसमें सबसे अच्छा कारगर हर्ब्स है गिलोय, जो लगभग हर घर में आपको लटकते हुए मिलेंगे, ठीक है। अगर उसको ले लिया जाए तो प्रिवेंशन में, मतलब उससे अच्छा प्रिवेंशन और कुछ भी नहीं हो सकता जी। डॉक्टर सरीन, हेपेटाइटिस बी जो जीवन भर वो वायरस व्यक्ति के शरीर में रहता है, उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को किस तरह से इफेक्ट करेगा? क्या इलाज से लाइफ एक्सपेक्टेंसी और व्यक्ति की क्वालिटी ऑफ लाइफ को मेंटेन किया जा सकता है? हेपेटाइटिस बी अगर इन्फेक्शन है तो हमें उसको क्लियरली दो में डिवाइड करना है, इन्फेक्शन एंड इन्फेक्शन प्लस डिजीज। अगर उसे बीमारी है और बीमारी जो है मतलब उसके पैर में सूजन है, पेट में पानी है, ब्लड वॉमिट है, या लिवर श्रिंक कर गया है, या उसको वीकनेस लगती है, तो वो बीमारी के लक्षण हैं, पर 90% में बीमारी नहीं है। जिनको बीमारी नहीं है उन्हें हर 6 महीने में अपना ब्लड टेस्ट कराना है और कभी कभी साल में एक बार अल्ट्रासाउंड करा लें तो पता लग जाएगा कि बीमारी हो रही है या नहीं। हर व्यक्ति को आज की तारीख में हम लोग दवाइयाँ नहीं देते हैं, उन्हें ज़रूरत नहीं। जिनको डिजीज़ है उनके लिए दवाइयाँ हैं, उनके लिए वायरस को सप्रेस किया जा सकता है, उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ बदलती है, उनके लिए अच्छा प्रोटीन है और गुड नरिशिंग डाइट है, वो बहुत ज़रूरी है। फैट का कोई रेस्ट्रिक्शन हम लोगों की तरफ से नहीं है, पर क्वालिटी ऑफ लाइफ इसलिए ख़राब होती है क्योंकि दे आर निग्लेक्टेड पीपल, दे आर रिजेक्टेड बाई सोसाइटी, उनको डिस्क्रिमिनेट किया जाता है, उनको परिवार से निकाल दिया जाता है, उन्हें ऐसा समझा जाता है कि ये गिल्टी हैं, ये कल्प्रिट हैं, इन्होंने ज़रूर कुछ ना कुछ ऐसा किया है। तो ये सोशल रिजेक्शन, लैक ऑफ एक्सेप्टेंस, हमें उनको संरक्षण देना है, सम्मान देना है, उनको ऐसे नहीं रखना क्योंकि उनकी कोई गलती नहीं। हेपेटाइटिस सी भी ब्लड से आया है और बी भी जो है मदर से आया है, तो यू कैन चूज योर मदर जी, यू कैन नॉट से कि साहब मुझे उस घर में पैदा होना चाहिए था, मेरे दुश्मन को यहाँ होना चाहिए था, ऐसा नहीं हो सकता। जो हुआ है उसको आप हाँ बदल नहीं सकते, तो इसलिए उनका जो लैक ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस है उन्हें हमें देना है जी। और मैं एक बात और कहना चाहूँगा जो कि डॉक्टर कौशिक ने बताई, हल्दी, हल्दी आयुर्वेदा में भी है पर इसका एलोपैथी मॉडर्न मेडिसिन में बहुत रोल है। हल्दी और टर्मेरिक जो है इसमें करक्यूमिन नाम का एक पदार्थ होता है और ये बड़ा स्ट्रॉन्ग एंटी इन्फ्लेमेटरी है, तो ये बॉडी में एक सब्सटेंस होता है TNF-alpha, ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर अल्फा, जिससे सारी इन्फ्लेमेशन इंजरी होती है, और टर्मेरिक हल्दी उसको एकदम नीचे करता है। तो मेरे विचार से भी हल्दी लेना, या अगर आप दूसरा खाना चाहें तो वॉलनट्स, अखरोट, ये बहुत अच्छे हैं और ये हर मायने में लिवर के लिए बहुत बेहतर हैं, और ऑफ कोर्स वेट कम रखना ये बहुत ज़रूरी है। क्वालिटी ऑफ लाइफ उनकी अगर हमें इम्प्रूव करनी है पेशेंट्स की जी, तो मेरे ख्याल से फैटी लिवर ना हो, ऑफ कोर्स अल्कोहल पड़ोसी को पिलाएं जितना मर्जी, पर खुद ना पिए,
जो आदमी की क्वालिटी ठीक है। बिल्कुल, और निश्चित तौर पर जैसा कि डॉक्टर सरीन ने कहा, संरक्षण और सम्मान बहुत जरूरी है। ऐसे लोगों को आप बिल्कुल तिरस्कृत ना करें, जागरूक हों इस विषय में। फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइएगा, अभी बहुत कुछ बाकी है टोटल हेल्थ में। श्रावणी मेले में बाबा धाम पधारे श्रद्धालुओं से है वादा, भोलेनाथ के दर्शन में नहीं होगी कोई बाधा। 24 घंटे आपकी सेवा में तत्पर है झारखंड सरकार। यदि आती है कोई परेशानी तो सीधे मुख्यमंत्री को बताएं। ट्विटर हैंडल @दासरघुबर और फेसबुक पेज रघुबर दास पर अपनी समस्या बताएं। हर समस्या का समाधान किया जाएगा, समस्या हल होते ही आपको सूचित भी किया जाएगा। पिछले 2-3 वर्षों से राज्य सरकार ने की जो प्रयास है कि हम अपने श्रद्धालुओं को, कंवारियों को अच्छी सुविधा दे, ताकि किसी तरह की परेशानी हमारे कंवारियों को ना हो, फिर भी अगर कहीं चूक शासन प्रशासन से होती है तो आप हमसे सोशल मीडिया में जुड़े, आपकी सारी परेशानियों को तुरंत हल करने का प्रयास हमारी सरकार, हमारा प्रशासन करे। पूरी हो शिव भक्तों की हर मनोकामना, यही है भोलेनाथ से प्रार्थना। अरे सर 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 गुरजीत नाम सर, एक तो सवाल था, ये आधार कार्ड हम गरीबन के लिए क्या करता है? आधार कार्ड सरकार गरीबों के लिए बहुत सारा पैसा भेजती है, लेकिन उस पैसे में से काफी सारा पैसा बीच में ही लीक हो जाता है, बिल्कुल इस पाइप की लीकेज की तरह। तो सर इसमें आधार कार्ड क्या करता है? पाइप में छेद करने वाले बेईमानों को पहचान लेता है और पैसा सीधे गरीबों के खाते में। ये तो फायदे की चीज है सर। तभी तो मैं कहता हूँ बेटा, आधार अपना लो। Is your salt adulterated with chalk? Let's do a simple test. Take some water in a glass. Add salt in the glass of water. Stir it well. Unadulterated salt dissolves completely in the water with no sediments at the bottom of the glass. Adulterated salt turns the water slightly white and some impurities are visible at the bottom of the glass. ब्रेक के बाद टोटल हेल्थ में आपका स्वागत है। हेपेटाइटिस से बचाव के बारे में आज हम बात कर रहे हैं और टोटल हेल्थ में फिलहाल समय हो गया है सेगमेंट हेल्थ पहेली का। आपको बता दें एपिसोड 776 में सवाल हमने आपसे किया था कि बरसात के मौसम में बीमारियों से बचाव के लिए इनमें से क्या करना उपयोगी है। 4 ऑप्शंस आपके पास थे, ऊपर दिए गए सभी विकल्प सही हैं। भीगने पर अधिक देर तक गीले कपड़ों में नहीं रहना है, स्वच्छ और ताजे भोजन और स्वच्छ पानी का सेवन करना है, घर के आसपास पानी इकट्ठा नहीं होने देना है। ये तमाम बातें बहुत ही आवश्यक हैं बरसात के मौसम में बीमारियों से बचाव के लिए। कौन बने हैं इस पहेली के लकी विजेता, ये जानने से पहले देखते हैं क्या सवाल है आज की हेल्थ पहेली में। आपको बताना है कि हेपेटाइटिस बी व सी का संक्रमण इनमें से किससे नहीं फैलता। ऑप्शन ए, असुरक्षित यौन संबंध से। ऑप्शन बी, संक्रमित सुई के प्रयोग या संक्रमित रक्त चढ़ाने से। या फिर ऑप्शन सी, दूषित पानी या दूषित भोजन के सेवन से। आप अपने जवाब हमें 2 हफ्तों तक भेज सकते हैं। हमारा पता है टोटल हेल्थ, डीडी न्यूज, रूम नंबर 505, टावर बी, दूरदर्शन भवन, मंडी हाउस, कॉपरनिकस मार्ग, न्यू दिल्ली 110001। या ईमेल कर सकते हैं totalhealth@gmail.com पर। जी, और मैरी कॉम वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियन जो है उनका संदेश है खास तौर पर वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे के लिए। आइए देखते हैं। जितना कि वर्ल्ड चैंपियन बनना एक माँ की जिम्मेदारी, माँ बनने की एहसास से ही शुरू हो जाती है और हर माँ बच्चे की सुरक्षा की तैयारी उसके पैदा होने के पहले से ही शुरू कर देती है और इसी तैयारी का अहम हिस्सा है हेपेटाइटिस बी से बचाव। हेपेटाइटिस बी एक सीरियस लीवर इन्फेक्शन है, इससे लीवर सिरोसिस और लीवर कैंसर तक हो सकता है। सही समय पर सही इलाज ना मिलने पर ये जनलेवा भी हो सकता है। आमतौर पर हेपेटाइटिस बी
गर्भवती माँ से बच्चे को जन्म के समय संक्रामित हो सकता है, पर बच्चे के जन्म के पहले 24 घंटे के अंदर उसका टीकाकरण करवाने से ये खतरा टल सकता है। यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम बच्चे को जन्म के 24 घंटे के अंदर हेपेटाइटिस बी वैक्सीन के पहले डोज लगाने के बाद छठे, दसवें और चौदहवें हफ्तों में 3 और डोजेस के लगाने की सलाह देते हैं, जिससे नवजात बच्चा पूरी तरह हेपेटाइटिस बी से सुरक्षित हो सकता है। सही समय पर टीकाकरण करवाएं। ध्यान रहे कि आपकी बच्चे को हेपेटाइटिस बी का वैक्सीनेशन जरूर लग जाए। नवजात शिशु के लिए हेपेटाइटिस बी वैक्सीनेशन सभी स्वास्थ्य केंद्रों पे उपलब्ध है। हेपेटाइटिस हारेगा, इंडिया जीतेगा। हेपेटाइटिस के विषय में जानकारी ही उससे बचाव का बेहद प्रभावशाली विकल्प है। और टोटल हेल्थ में हम आगे बढ़े उससे पहले ये जान लेते हैं कि आज के लकी विनर कौन है, और इसके लिए हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं डॉक्टर वीरेंद्र कुमार से, जिनके सामने सारी करेक्ट एंट्रीज हैं। डॉक्टर वीरेंद्र, इनमें से आज के एक लकी विनर का नाम आप प्लीज हमारे व्यूअर्स को बताएं। जी हाँ, और आज के लकी विनर हैं बेबी मंडल। ये दमदम रोड मंत्री समिति अपार्टमेंट में रहते हैं, थर्ड फ्लोर पे कोलकाता में। कोलकाता से बहुत बधाई। बहुत बहुत बधाई जी मंडल साहब, आप एपिसोड 776 के लकी विनर बन गए हैं। और अब समय है रैपिड फायर क्वेश्चंस राउंड का। पहला सवाल डॉक्टर सरीन आपसे, क्या हेपेटाइटिस का एकमात्र कारण वायरस का संक्रमण ही होता है? नहीं, अल्कोहल और फैट एडिशनल कॉजेज। डॉक्टर वीरेंद्र, बच्चों में होने वाले पीलिया की वजह से की वजह हेपेटाइटिस ही होता है, दूसरे भी हो सकते हैं? जी। डॉक्टर महापात्रा, क्या दूषित जल और संक्रमित भोजन से हेपेटाइटिस का खतरा हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। डॉक्टर सरीन, हेपेटाइटिस ए और ई का इलाज जरूरी नहीं होता, बीमारी कुछ ही समय में अपने आप ठीक हो जाती है? हाँ, अगर आप हेपेटाइटिस ए का मरीज एडल्ट है तो जरूर है कि डॉक्टर को दिखाएं, अदरवाइज अपने आप ठीक। और या प्रेग्नेंट फीमेल है और उसे हेपेटाइटिस ई है तो जरूर डॉक्टर को दिखाएं। जी डॉक्टर वीरेंद्र, यदि बच्चे को हेपेटाइटिस ए हो जाए तो क्या उसे सभी अन्य हेपेटाइटिस से प्रतिरक्षण यानी इम्यूनिटी मिल जाएगी? जी नहीं। हेपेटाइटिस बी और सी संक्रमित रक्त चढ़ाने या संक्रमित सुई के प्रयोग से हो सकती है? डॉक्टर महापात्रा, दोनों से ही हो सकती है। और आइए संदेश ले। जी संदेश, डॉक्टर महापात्रा संदेश के तौर पर आप क्या कहना चाहेंगे, बचाव में स्वच्छता की कितनी अहम भूमिका है? सबसे ज़्यादा अहम भूमिका है स्वच्छता के, हर रूप से देना है, मानसिक रूप से भी और शारीरिक रूप से भी। अगर हम लोग पानी अच्छा पियेंगे और खाना अच्छा खाएंगे और सुरक्षित से जौन संबंध रखेंगे तो फिर ये बीमारी कभी नहीं होगा हमें। बिल्कुल। और डॉक्टर वीरेंद्र, आपका क्या संदेश है, बच्चों को हेपेटाइटिस से कैसे बचाएं? जी हाँ, मैं कहना चाहूँगा कि हर माता पिता को अपनी जिम्मेदारी समझनी चाहिए और हर माँ को प्रेगनेंसी गर्भ अवस्था के दौरान टेस्ट कराना चाहिए, और अगर इसका संक्रमण पाया जाता है तो बच्चे को नियमित रूप से टीकाकरण अवश्य कराएं। डॉक्टर सरीन, सन 2030 तक हेपेटाइटिस एलिमिनेशन की बात हो रही है, उसके लिए एक्शन प्लान कैसा होना चाहिए? हेपेटाइटिस सी के करीब 1 करोड़ मरीज हैं और इलाज 12 से 24 हफ्ते का है। आप बाहर निकलें, टेस्ट कराएं, डरें नहीं, और सी के इलाज के बाद में ये 95% बीमारी क्योर हो जाती है। हाँ, हेपेटाइटिस बी के लिए जो इन्फेक्टेड हैं अपना इलाज कराएं, और जिनको नहीं है वायरस वो टीका लगाएं। 2030 तक हेपेटाइटिस सी भारत से डेफिनेटली निकलेगी और 2080 तक हेपेटाइटिस बी टोटली ख़त्म हो जाएगी। ये हम लोगों का आंदोलन है, इसमें जुड़िए वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे पर, और आज के दिन हम सब ये शपथ लें कि हम इन मरीजों को जो बी और सी से इन्फेक्टेड है, मरीज नहीं, इन लोगों को इज्जत देंगे, उनको अपने साथ रखें। जी बहुत धन्यवाद इस तमाम जानकारी के लिए आप सभी का। और आज वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे का जो इस बार का थीम रखा गया है, इन्वेस्ट इन एलिमिनेटिंग हेपेटाइटिस, तो नजरिया बदलने की बात है। डिटेक्शन होना चाहिए, एक्सेप्टेंस होनी चाहिए, और उसी से ही हेपेटाइटिस एलिमिनेशन यानी हेपेटाइटिस से मुक्त होना देश का संभव हो पाएगा। बिल्कुल, तो आज का दिन है इस कार्यक्रम के जरिए, आज वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे भी है, तो क्यों ना हम सब लोग आज ये संकल्प लें कि जरूर सावधानी के साथ में और बचाव करते हुए इस रोग को हम दूर भगाएंगे, और जो लोग इससे संक्रमित हैं उन्हें भी उनके साथ भेदभाव नहीं करेंगे। तो आज के हमारे इस खास कार्यक्रम में बस इतना ही, हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार, नमस्कार।